नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल गढ़साना से। हमारे संवाददाता शिवशंकर बिश्नोई की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के सर्वे के बाद गढ़साना के दो व्यापारियों ने करीब 3.25 करोड़ से अधिक की अघोषित आय टैक्स के लिए समर्पित कर दी। अब दोनों व्यापारियों से समर्पित आय पर टैक्स की वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार आयकर आयुक्त अरविंद कुमार के निर्देशन में सूरतगढ़ आयकर अधिकारी पीसी अरोड़ा के नेतृत्व में दो टीमों ने गढ़साना में ज्ञानी सीमेंट एजेंसी व नीरज आयरन स्टोर पर गुरुवार को सर्वे शुरू किया था। आयकर टीम ने दोनों फर्मों के दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान दोनों फर्मों पर आयकर रिटर्न में दिखाई गई राशि से अधिक राशि का कारोबार होना पाया गया। आयकर अधिकारियों ने देर रात दोनों फर्मों के दस्तावेज खंगाले। सुबह ज्ञानी सीमेंट एजेंसी ने 1.80 करोड़ रुपये और नीरज आयरन स्टोर ने 1.50 करोड़ की अघोषित आय टैक्स के लिए समर्पित कर दी। आयकर अधिकारी पीसी अरोड़ा ने बताया कि दोनों फर्मों ने अघोषित आय टैक्स के लिए समर्पित कर दी है। गढ़साना में गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन योजना का ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह प्रातः 10 बजे गीता बाल सह शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि रामावतार कुमावत उप जिला मजिस्ट्रेट गढ़साना ने कक्षा 10 एवं 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 596 बालिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र व गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त का चेक दिए। इस समारोह में भवानी शंकर पेड़ीवाल अध्यक्ष शिक्षा समिति गढ़साना, प्रेम नारायण लेगा भामाशाह, राजा राम चोयल प्रोफेसर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से गुरुचरण सिंह संधू ACBO डॉक्टर सतपाल स्वामी, निहाल चंद बिश्नोई, राम कुमार शर्मा, इंद्रजीत सिंह, श्रवण चौहान, परविंदर सिंह, भूपेंद्र अरोड़ा, राजू राम गोदारा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रामावतार कुमावत उप जिला मजिस्ट्रेट ने गार्गी पुरस्कार विजेता बालिकाओं को बधाई देते हुए राज्य सरकार की विभिन्न बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी एवं अपने उद्बोधन में बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। राम कुमार शर्मा ने मंच संचालन करते हुए जानकारी दी कि बालिका प्रोत्साहन योजना में 301 एवं गार्गी पुरस्कार में 187 बालिकाओं को आज के समारोह में चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। गीता बाल सह शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर सतपाल स्वामी द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के अंत में राम कुमार शर्मा द्वारा समारोह में पधारे अतिथियों, बालिकाओं और उनके अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंडी में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने 7 सदस्यों की कमेटी गठित कर मंडी में बाजार, बस स्टैंड व वन विभाग के पास सर्वे के लिए भेजा। कमेटी में गिरदावर पटवारी व वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने बाजार में जाकर डोर टू डोर सर्वे कर दुकानदारों से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। साथ ही सख्त चेतावनी दी, अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे तोड़फोड़ का जो भी हर्जाना आएगा वह अतिक्रमणधारियों से वसूल किया जाएगा। कमेटी में गिरदावर सीताराम, महेंद्र पाल, शिव नारायण पटवारी, मोतीराम, ओम प्रकाश, गुरुचंद सिंह व वन विभाग के सहायक वन पाल सतवीर कौर को नियुक्त किया गया है।